और गाइस सामने ये अपने बंगला साहिब गुरुद्वारा, पूछ पूछ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, फुल मजा आ रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, पीछे देखो फुल फैला रहा फैल रखा है, और भाई सब अपने को समेटना है और घर पे कोई नहीं है, सब जा रखे हैं यूपी। तो अभी पहले काम वाम समेटता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ धोता हूँ रेडी होता हूँ, फिर देखते हैं आगे का प्लान। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई नहा धो करके मस्त रेडी हो चुका है और अपना फुल काम भी हो गया, घर का फुल बिस्तर इतना सब समेट दिया। और ये देखो भाई इधर आ रखा है ये शिवनाथ भाई, शिवनाथ को मैंने कॉल करा था और ये आ चुका है। तो अब निकलते हैं घूमने के लिए, हम जा रहे हैं इंडिया गेट। तो ये देखो भाई यहाँ गाना चल रहा है, फाइनली अपन बैठ चुके हैं बस में, और भाई अभी यहाँ से हमें जाना है बंगला साहिब। स्टैंड पे तो अभी अपने को यहाँ से पकड़नी है इंडिया गेट के लिए बस, देखते हैं बस मिलेगी तो बस पकड़ेंगे वरना ऑटो रिक्शा करके जाएंगे। और गाइस सामने ये अपने बंगला साहिब गुरुद्वारा, देखो सामने देख सकते हो भाई, अंदर नहीं जा रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अपने स्टैंड पर से है ना हमको मतलब आधे घंटे पौने घंटे में बस मिली थी, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए भाई। तो अभी अपन स्टैंड पे थे ना, तो बंदे बताओ क्या बोल रहे, एक भैया से पूछा वो कह रहे कि भाई रूट बंद है आज, क्या कहते हैं इंडिया गेट का, तो क्या पता इंडिया गेट भी बंद हो, तो भाई कोई पता नहीं है। ये भगवान क्या जुलूम है। तो बस कोई नहीं आ रही, काफ़ी देर से नहीं आ रही, बहुत बंदे खड़े हो। तो अब हम पैदल निकल चुके हैं, तो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर हमें पैदल चलना था। भाई सामने देखो मौसम एकदम बिगड़ता जा रहा है, और अभी ले रहे हैं अपन पानी की बोतल और हट जा साइड हट कुरकुरे। तो भाई अपने साथ हो गया एक सीन। अच्छा तो बता शिवनाथ क्या सीन हुआ भाई? ये सीन हो गया, बंगला साहब का रास्ता नहीं मिल रहा यार। अबे उससे पहले क्या सीन हुआ? उससे पहले दुकान पे यार 100 रुपए यार दे दिया मैंने, बंदा बोल रहा 100 रुपए नहीं दिए भाई, 100 रुपए नहीं दिए भाई। हमने ना सामान लेने से पहले 100 का नोट पकड़ा दिया, ये हमने सबसे बड़ी गलती करी। बहुत बड़ी तो आप भी ये गलती मत करना, सामान लेने के बाद में पैसे पकड़ाओ। तो फिर हमारे साथ लोग हो गया, तो कह रहे कसम खाओ भगवान की। मैंने बोला कि भाई ये लो 200 का नोट और ले लो, इसमें से काट लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओ भाई फुल मतलब मौसम खराब हुआ है, और देखो भाई बारिश भी आने लगी, हो गया भाई सीन, बारिश बढ़ती जा रही है। और भाई पूरा इंडिया गेट घूम लेंगे अगर बारिश होगी ना तेज। भाई बारिश देख सकते हो रुक नहीं रही है, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन भाई अभी अपने को यहाँ से पूरा सीधा जाना है आगे तक, वहाँ पर उधर साइड इंडिया गेट पड़ेगा। पूछ पूछ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, फुल मजा आ रहा है, मौसम भी कैड़ा हो रहा है एक नंबर। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फुल सिक्योरिटी हाई है मुझे लग रहा है आज यहाँ पर, जिप्सी वगैरह खड़ी है। 20 रुपए के ले लिए अपन ने जामुन। भाई इधर है अपना पानी, और सामने देख सकते हो इंडिया गेट। आज से मैं 4 महीने पहले आया था यहाँ पर ब्लॉग बनाने के लिए, तब भी बंद था इंडिया गेट और आज भी बंद है। ये भी थोड़ा रोड क्रॉस करके उस साइड जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। गाइस यहाँ से एकदम सामने दिख रहा है अपने इंडिया गेट, लेकिन दुविधा ये है कि अपन अंदर नहीं जा सकते। मगर क्यों? काम थोड़ा चल रहा है ना, कार्य प्रगति पर है, उधर साइड टाइलें वगैरह लग रही हैं, इधर पेंट वगैरह हो रहा है, तो अंदर भी काम चल रहा है। भाई मतलब 4 महीने पहले आया था तब भी काम चल रहा था और अभी भी काम चल रहा है।
गाइस ना जाने कब तक खुलेगा इंडिया गेट। तो भाई आज तो अपना लोल हो गया, तो अब देखते हैं घर निकलेंगे, पता नहीं कहाँ निकलेंगे। मूड यार पूरा ऑफ हो गया, इतने मतलब इतना सोच करके आए थे ना अपन कि भाई मतलब यार ब्लॉग बनाएंगे यहाँ जा करके, बेकार हो गया यार सब। यार इंडिया गेट बंद है यार, बाहर से ही देख लो जितना देख रहे हैं, अंदर तो जा नहीं सकते अपन। हमको सिखा दिया है ऐसा, पानी सामने भी है, उस साइड भी है, उस साइड भी, चारों तरफ है, और इंडिया गेट के अंदर साइड भी है साइड। मेरे हिसाब से मैं एक बार गया हूँ बहुत पहले भाई, उधर साइड हो रहा थोड़ा फोटो शूट, और हम सोच विचार में पड़ रहे कि हम फोटो खिंचवाए कि ना खिंचवाए। 25 रुपये चार्ज ले रहे, फ़ोन में फ़ोटो दे देंगे, हमारी DSLR से बकायदा खिंच रही है फुल ब्लर आकर के। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं खिंचवाऊँ कि ना खिंचवाऊँ यार, मतलब खर्चा बहुत हो गया ना वैसे ही। पता खिंचवा रहा है नहीं शिवनाथ लगवा रहा है, क्या लगवा रहा है? भेलपूड़ी की प्लेट। तो फाइनली भाई रेडी होगी अपनी प्लेट। किन्ने हम पीछे लाए ते किन्ने चारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटते तारे नी। रेहानी होने ऐतबार सोनी है, रेहानी होने ऐतबार इंडिया गेट से थोड़ा ऑटो वगैरह कर लिया था, तो अभी आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर मंडी हाउस के। तो अभी यहाँ से अपने को पकड़नी है मेट्रो, यहाँ से मेट्रो पकड़ के सीधा चलते हैं घर। फाइनली अपन उधर चुके हैं जनकपुरी वेस्ट, और अपने को यहाँ से अभी नीचे जाकर के पकड़नी है मेट्रो डावड़ी के लिए। तो चलते हैं, ये डावड़ी के मतलब डावड़ी के पहुंच गए हैं हम मेट्रो के ऊपर। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। हां भाई फाइनली अपन उधर चुके हैं डावड़ी मेट्रो स्टेशन, तो इससे बोलना नहीं आ रहा डावड़ी का नाम भी। अभी तो शिवनाथ कुछ खिलाने वाला है भाई, इसका फुल खर्चा होगा, अभी देखते हैं कुछ खाने के लिए, उसके बाद खाते पीते घर कटकेंगे। फाइनली भाई लगवा लिए अपने मोमोज, ले 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 अपना गिलास पकड़। फाइनली भाई लगवा लिया अपना मैंगो शेक, पहले खाए भाई मोमोज, उसके बाद क्या कहते हैं जूस, फिर उसके बाद अपनी आइसक्रीम भी ले ली। दादा सारी कितनी छोटी है यार ये, तो क्या नाचो मैं। सो भाई तो ये जा रहा है सागरपुर अपने घर, चल ठीक है, हाथ तो मिला ले टोपे, चल चल जा। सो भाई काफ़ी देर के बाद भाई घर पे आ चुका हूँ लौट के, और भाई सुबह हम गए थे 12 बजे के निकल के, और टाइम हो चुका है 5:30, तो भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया अपने को, और यार इंडिया गेट भी बंद मिला उसके लिए सॉरी भाई मेरे लिए, मतलब मैं तो यार देखो ब्लॉग बनाने गया था, अब बंद मिल गया तो मैं क्या करूँ। तो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो जल्द मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।